अभी जो हुआ है वो इस घर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। शहानाबाजी से किसी ने इस लहजे में आज तक बात नहीं की। शेरोज, ये तो दूसरे घर से आई है, इसे हमारे घर के माहौल के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मेरी सगी बेटी होती ना तो मुंह तोड़ देती। लेकिन मैं तो तेरी सोती नरमी से भी सरजनिश करती तो गले पड़ जाती। तुम तो शोहर हो, तुम रोक नहीं सकते थे इसे। मैंने आज तक इस घर में होने वाली हर सही और गलत बात चुप करके सुनी है, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना ही मैंने कोई ऐसी गलत बात बोली है कि किसी की इंसल्ट हो। अपने दिफा का हक हर किसी को। देख रहे हैं आप इसकी जुबान। तानिया बीवी, जिसको तुमने अभी बातें सुनाई है ना, वो शहाना गियासुद्दीन है, इस घर की मालकिन, इस सूबे की सीएम। वो किसी मामूली मिडिल क्लास घर की सास नहीं थी, जिसे तुमने ताबड़तोड़ अपनी बदजुबानी का निशाना बनाया है। मैंने कोई बदजुबानी नहीं की। जिस गुफ्तगू से सामने वाली की बेइज्जती हो ना, उसे बदजुबानी कहते हैं। ओह, तो इस तरह तो मेरे साथ इस घर में हर वक्त बदजुबानी होती रही। वाह, अब तुम अपना मुकाबला शहानाबाजी से करोगी। बस करो अलमास, बैठ जाओ, बस करो। क्या, अपनी बेटी की बदतमीजी पे पशेमान होने की बजाय आप मुझे चुप करा रहे हैं? जी, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि बात उतनी है नहीं जितनी बनाई जा रही है। Enough! बस दानिया, एक और लफ्ज नहीं। शेरोज, लेकिन प्लीज गो टू योर रूम नाउ। शेरोज।